देखिए, जो कल हुआ वो निंदनीय है और मैं उसकी भरपूर निंदा करता हूँ। पहलवान जो हमारे बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, जिन्होंने देश का नाम दुनिया में किया है, उनके साथ ये व्यवहार नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको न्याय मिलना चाहिए। जो मांग लेके बैठे हैं उनका न्याय मिलना चाहिए, हम शुरू से कह रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी हिरासत में लिया गया, जबकि धारा 144 के तहत वो ये कह रहे थे कि मैं अकेला जाऊंगा, मेरे सिक्योरिटी वाले लोग भी नहीं जाएंगे, तो धारा 144 का हवाला देके इस तरह का काम किया जाए। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जो भी वहाँ वो हुआ वो निंदनीय है, किसी से आदमी हुआ, जो भी किसी की चोट आई हुई, और मैं भी आज यहाँ से फारिग होकर जाऊंगा उनके पास, धरने पर जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे। एक आज अवैसी चौटाला रोहतक में थे, उन्होंने ये कहा कि इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल और खापों को एक बैठक करके और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन। देखिए, मैम तो शुरू से हैं, सवाल ये है, राजनीति नहीं करनी चाहिए इन पे, इसका राजनीतिक से कोई मतलब नहीं। सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इनका समर्थन करना चाहिए, इनको न्याय दिलवाने के लिए एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर फोटो खिंचवाने के लिए लोग चले जाते हैं राजनीति करने के लिए, उनकी उनकी कोई भी ऐसी पैरवी नहीं करता, सभी सर खाप सर करनी चाहिए सबको। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उनको न्याय दिलवाने का कार्य करना चाहिए, हमको प्रयास है, लेकिन मैं कोई राजनीतिक इसमें वो नहीं लाना चाहता। राजनीतिक कोई, मैं कहूँ भाई, कोई भी किसी को भी राजनीतिक लाभ लेने नहीं चाहिए इसमें। ये राजनीतिक दलगत से, राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन करना चाहिए, ये उनको न्याय दिलवाना चाहिए। आप सर खुद एक वकील भी हैं, जब इस तरह के पॉक्सो एक्ट जैसी आरोप लगते हैं और FIR दर्ज होती है तो क्या तुरंत गिरफ्तारी? देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, सब जुडिस है, आज भी शायद उनकी तारीख है, मैं समझता हूँ पूरा, मेरे को जुडिशी पे यकीन है, तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई होगी।